नमस्कार दोस्तों, SVS चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्पीड आप विंडोज़ 10 है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वन स्टेप जो है उसमें आपको करना है पावर ऑप्शन। आप सिंपली स्टार्ट मेनू में टाइप करें पावर ऑप्शन। फिर देख सकते हैं इसको ओपन कर लें। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। नंबर वन आपका बैलेंस सेलेक्ट होगा, आप चाहें इस पर क्लिक कर दें। तो ये जो प्लान है अगर आप इसको सेव कर देते हैं तो आपकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा खर्च होगी लेकिन परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर की वह बढ़ जाती है। तो आप इस पर सेलेक्ट करके विंडो क्लोज कर दें तो आपकी जो पावर जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर हम चलते हैं। उसमें हमको क्या करना है, आपको अनवांटेड जो ऐप्स है, स्टार्टअप ऐप्स है, उसको रिमूव करना। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टास्क बार में जाएं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन करें। अब आप यहाँ पर स्टार्टअप पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको वो सारे ऐप्स नज़र आ जाएंगे जो कंप्यूटर शुरू करते ही रन होते हैं, वो सारी सर्विसेज नज़र आ जाएगी। आप उन सर्विसेज को यहाँ पर अनेबल डिसेबल कर दें, मैंने पहले से कर रखा है। और ध्यान रखें जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिखी हुई सर्विस होती है यहाँ पर आपको दिख जाएगी पब्लिशर में यहाँ पर नीचे, उसको आप डिसेबल मत करें। बाकी ये देख सकते हैं मैंने डिसेबल कर रखा है इसको, ऐसे आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनेबल वापस हो जाएगा। आप वापस इस पर क्लिक करें और नीचे डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। यानी कि जो अनवांटेड ऐप्स हैं जो कि आप नहीं चाहते कि कंप्यूटर शुरू होते ही रन हो जाए, उनको यहाँ से डिसेबल कर दें ताकि आप जब कंप्यूटर रन करते हैं उस टाइम वो नहीं चले। बाकी ये बैकग्राउंड में ऐप्स रन करती है जिससे आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें एंटीवायरस और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इन ऐप्स को आप बिल्कुल भी डिसेबल मत करें, ठीक है। थर्ड स्टेप है डिफ्रेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है डिफ्रेजमेंट, ये देख सकते हैं डिफ्रेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव। आप इस पर क्लिक करें, इसे ओपन कर दें। ये ओपन होने के बाद आप यहाँ पर सिंपली सी ड्राइव को सेलेक्ट करें, यहाँ पर ऑप्टिमाइज पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से आपकी जो ड्राइव है उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन ये देख सकते हैं ये रन हो रहा है, रनिंग है। तो ऐसा आ जाएगा आपके 0% फ्रेगमेंटेड, तो आप के लिए ये थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ऐसा आ जाए फिर यहाँ से आप इसे क्लोज कर दें और रिफ्रेश कर दें। फोर्थ होता है टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना। तो उसके लिए आप सिंपली विंडो R दबा सकते हैं या फिर स्टार्ट मेनू पर यहाँ पर राइट क्लिक करें और रन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है परसेंटेज टेम TEMP और वापस परसेंटेज और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये सारी फाइल्स आ जाएगी, आपको कंट्रोल A करना है, सेलेक्ट करना है और डिलीट दबाना है, तो इन्हें डिलीट करना है। जो नहीं हो रहा है यहाँ पर डू दिस फॉर ऑल पर क्लिक करके स्किप कर देंगे तो ये सब स्किप हो जाएगी। और उसके बाद रिमूव कर दें, यहाँ से रिफ्रेश कर दें, एक बार वापस स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करें, रन पर क्लिक करें और इस बार आपको परसेंटेज का जो साइन है वो नहीं लगाना है, सिंपली TEMP लिखना है और ओके कर दें। उसके बाद ये और फाइल्स आ जाएगी, आपको वापस कंट्रोल A करना है और डिलीट करना है। और ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर दें, रिफ्रेश कर दें। एक बार वापस आप रन ओपन करें और अब यहां पर आपको टाइप करना है PREFECT, ठीक है, फिर ओके कर दें।
और कंटिन्यू पर क्लिक करें तो ये फाइल्स आ जाएगी। वापस कंट्रोल ए प्रेस करें, डिलीट दबा दें और इन फाइल्स को भी आप रिमूव कर दें और स्किप कर दें। ये तो हो गई आपकी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट। उसके बाद आपको मिलता है डिवाइस डिस्क क्लीन अप करना है आपको। आप स्टार्ट मेनू पर जाएं, फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और यहाँ पर दिस पीसी पर क्लिक करें, सी ड्राइव पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें और यहाँ पर डिस्क क्लीन अप करें। और उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर इन फाइल्स को सेलेक्ट कर लें, रिसाइकिल बिन सेलेक्ट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में जितनी भी फाइल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा देख के करें और उसके बाद आप ओके कर दें और यहाँ पर मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यानी कि इन फाइल को परमानेंटली आप हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिलीट फाइल्स पर क्लिक कर दें तो जितना भी कचरा होगा आपकी डिस्क में, सी में, जिस पे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड होता है, वो कचरा साफ हो जाएगा इसमें से और इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। उसके बाद आप इसे हटा दें और रिफ्रेश कर लें। और ये आखिरी स्टेप जो है उसमें है, आपको विंडो आर दबाना है, रन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं और अब यहाँ पर आपको टाइप करना है MS CONFIG, ठीक है, और फिर आप ओके कर दें तो ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्टअप पर क्लिक करें, सर्विसेज में, और यहाँ पर नीचे आप क्या करें, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, आप इस पर क्लिक कर दें तो जो माइक्रोसॉफ्ट की जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस होगी वो यहाँ से सारी हाइड हो जाएगी। उसके बाद ये जो सर्विसेज बचेगी इसमें से जिसे आप डिसेबल करना चाहें कर दें, अनेबल डिसेबल। एक्चुअली मैंने ये सारी डिसेबल कर रखी है, आपके ऐसे राइट के साइन आएंगे अनेबल होगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर डिसेबल ऑल पर क्लिक कर सकते हैं या फिर मैनुअली एक एक सर्विस को बंद कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे इनको एडजस्ट करके अप्लाई कर दें और ओके कर दें तो ये आपको रीस्टार्ट मांगेगा, आप रीस्टार्ट कर लेना इसको। तो दोस्तों ये है कुछ स्टेप्स जो विंडोज 10 की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।